अरे सर मारा जा मारा जाता है हर चीज में हमने कुछ नहीं किया, स्टूडेंट को ऐसे मारा जाएगा क्या मतलब होता है इन चीज़ों से। हमने कुछ नहीं किया था, फिर भी इन्होंने यहाँ रोक के डिटेन किया, हम पीसफुल थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्लिक। अभी हम दिल्ली पुलिस मुख्यालय पे हैं। यहां पे अभी कुछ देर पहले ही हमारे सामने जो है दिल्ली विश्वविद्यालय अंबेडकर विश्वविद्यालय और जेएनयू से कुछ छात्र जो है वो दोबारा प्रदर्शन के लिए आए थे, उन्हें जो है तत्कालिक तौर पर जो है गिरफ्तार करके हम कहें कि तुगलक रोड थाने की तरफ ले जाया गया है। पुलिस का भारी इंतजाम, सुरक्षा का भारी इंतजाम है यहाँ पे, और सुरक्षा के भारी इंतजाम के तहत जो है पुलिस ने अपनी सुरक्षा ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि कैंपस के अंदर भी बढ़ाई है। बेसिकली अगर ये जेएनयू जैसे कैंपस में अगर ये हिंसा हो रहा है, जेएनयू एक बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, और वहाँ पे इस चीज़ को लेके हिंसा हो जा रही है, एबीवीपी के जो लोग हैं वो आके इस चीज़ पे अटैक कर रहे हैं कि तुम मीट खा रहे हो, तो ये तो बहुत डरावनी चीज़ है कि हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं उसके बेसिस पे हम पे अगर अटैक होने लगेगा तो ये तो बहुत डरने वाली चीज़ है। What happened yesterday in JNU was clearly the adaptation of the vegetarian Savarna like ideology into the freedom into the democratic space of the campuses. कुछ सब लोगों का अपना अपना खाने का तरीका है, कुछ लोग अपना खाना अपना पहनाव अपना जो भाषा है वो दूसरी लोगों पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये बहुत डरावनी चीज़ है, ये मेरे खुद के लिए बहुत डरने वाली चीज़ है। कल ये जेएनयू में हो रहा है तो ये आज अंबेडकर यूनिवर्सिटी में भी हो सकता है। इट्स अ फैक्ट दैट जेएनयू हॉस्टल इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग प्रोटीन रिच फूड नॉनवेज एंड वेज, कंसीडरिंग नॉन वेज दे आर प्रोवाइडिंग प्रोटीन रिच फूड एंड विद रिस्पेक्ट टू वेज ऑल्सो दे आर प्रोवाइडिंग प्रोटीन रिच फूड टू नॉन वेज ईटर्स एंड वेज ईटर्स, सो दिस द कॉमन स्टूडेंट्स डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। सो द एबीवीपी दे डेलिबरेटली क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर इशू बाई डिस्टर्बिंग द लाइफ ऑफ कॉमन स्टूडेंट्स। जब हम प्रोटेस्ट करते हैं ये तो अब हम देख ही रहे हैं, हम जब भी कोई अपने डिमांड के लिए जब हम अपने अच्छे भलाई के लिए जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस आके हमें डिटेन कर देती है, हम पे हिंसा करती है, और जहाँ पे ये हिंसा होता है और जहाँ पे पुलिस को एक्शन लेने होता है, चाहे अभी ये जेएनयू का इवेंट ही देख लो या कोई सेक्सुअल हरासमेंट का केस हो, तो उस पर डिले करना ये चीज़ दिखा रहा है कि पुलिस किसको सपोर्ट कर रही है, पुलिस कहाँ पे जा रही है, पुलिस हमारे लिए नहीं है, हमारी सेफ्टी के लिए नहीं है, ये तो बिल्कुल इस चीज़ को दिखा रहा है। They are already evidently trying to come up with this thing that like these people who are eating non-vegetarian are inferior to us. Threat है, ABVP वाले लोग काफ़ी सारे बच्चों को threat करते हैं कि तुम दलितों के साथ काम कर रहे हो तो तुम बाहर मिलो हमें, हम तुम्हें देखते हैं, या कोई लड़की अगर आगे दिख जाए तो ये threat रहता है, ये कॉन्स्टेंट थ्रेट है हमारे लिए कि वो हमारे घर पे पहुंच के अगर हम पे कल अटैक कर दे, हमारे घर वालों पे अटैक कर दे। एनीवेज पुलिस भी इस पे कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है, तो ये बहुत बड़ा डर है हमारे लिए। हालांकि देखने वाली बात दिलचस्प अभी ये भी है कि भले ही पुलिस ने FIR में अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है शिकायत दर्ज की हो, लेकिन अभी भी कोई गिरफ्तारी जो है आरोपियों के खिलाफ नहीं हुई है। शुक्रिया।